लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मिस्टर ली के चले आने के बाद सी क्यू का लाइफ क्लॉक अचानक से पॉज हो जाता है और सी क्यू को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सी क्यू अभी भी कंफ्यूज थी, इसलिए सी क्यू बोर्ड के चारों तरफ जाके चेक करने लगती है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसके कारण उसका लाइफ क्लॉक स्टॉप हो जाता है। बस सी क्यू को वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब मिस्टर ली फिर से उसके पास आते हैं तब यहाँ पे सी क्यू का लाइफ क्लॉक अचानक से फिर से पॉज हो जाता है और सी क्यू इस बार समझ जाती है कि जब भी मिस्टर ली उसके करीब आते हैं तब तक उसका लाइफ क्लॉक अचानक से पॉज हो जाता है। अब यहाँ से सीन कट होती है सी क्यू के फ्रेंड के घर पे, जहाँ पे सी क्यू अपने फ्रेंड को सब कुछ बता देती है इसके बारे में। तब यहाँ पे सी क्यू के फ्रेंड यानी कि सुहे इस बार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो सी क्यू को कहती है कि उसके लाइफ क्लॉक में अभी सिर्फ और सिर्फ 90 डे बचे हुए हैं, यानी कि 90 दिन में सी क्यू मर जाएगी और इसलिए सी क्यू उत्पतंग हरकतें करती रहती है ताकि वो अपनी लाइफ से कोई भी ख्वाहिश अधूरा ना छोड़े। और लेकिन इस बार सी क्यू को एक लास्ट मौका मिला है, वो भी मिस्टर ली के रूप में, यानी कि जब भी वो उनके करीब जाती है तब तक उसका लाइफ क्लॉक अचानक से पॉज हो जाता है। तो क्यों ना सी क्यू मिस्टर ली को इम्प्रेस करे और इसके बहाना से वह उनके बार बार करीब रह सकती है जिसके कारण उसके पास लाइफ में जीने के लिए और भी टाइम मिल जाएंगे। अब इस बार सी क्यू के दिमाग में यह बात पूरी तरह से बैठ जाती है और वो पूरी तरह से मोटिवेट हो जाती है, इसलिए सी क्यू अब मिस्टर ली का चारों तरफ पीछा करती है। जैसे कि वह उनके ऑफिस में तो कभी बारिश होती है तो छाता लेके मिस्टर ली के पास पहुंच जाती है। बट यहाँ पे मिस्टर ली को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि सी क्यू आके उसके करीब बार बार क्यों आ रही थी, इसलिए मिस्टर ली चले जाती है। बट सी क्यू यहाँ पे हार नहीं मानती है और वह मिस्टर ली के पीछे पीछे पब में चली जाती है जहाँ पे वो तो बहुत सारी उटपटांग हरकतें करती है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली भी काफी ज्यादा गुस्से में चले आते हैं, इसलिए वह बॉडी गार्ड से क्या है कि सी क्यू को बाहर भेजवा देती है। अब सी क्यू फिर से मिस्टर ली के जब पीछा करने जाती है तो वह देखती है कि मिस्टर ली जूना के साथ बातें कर रहे थे और यहाँ पे सी क्यू को पता चल जाता है कि जून अब मिस्टर ली के फाइनेंस है। अब सी क्यू काफी परेशान होकर जाकर सुहे को बताती है। तब यहाँ पे सुने उसे बताती है कि वो मिस्टर ली की कंपनी बहुत दिनों से काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे जूना के साथ मिस्टर ली का जो सगाई है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए है और मिस्टर ली तो जूना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए सी क्यू पूरी तरह से ही बेफिक्र रहे। अब यहाँ पे सी क्यू को अभी भी समझ में नहीं आया था, तब सुने उसे एक नया आइडिया देती है और कहती है कि मिस्टर ली की कंपनी इन दिनों एक सिंगर को गाइड करने वाले हैं और वो ऑडिशन लेने वाले हैं। अगर सी क्यू जाके वहाँ पर उनको ऑडिशन को प्रिपेयर कर लेती है या फिर पास कर लेती है तो उसे एक मौका मिलेगा ताकि वह मिस्टर ली के साथ कुछ दिन रह सकती है, यानी कि जब भी कोई कॉन्सर्ट होगा तो मिस्टर ली उसके साथ जाएंगे उसे प्रमोट करने के लिए। अब यहाँ पे सी क्यू को एक और मौका मिल चुका था, इसलिए सी क्यू यहाँ पर अब मेहनत करना शुरू करती है, यानी कि वह अब सिंगिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करती है और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यू वाला दिन चला आता है जहाँ पे मिस्टर ली अपने बाकी टीममेट्स के साथ लोग इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे हुए थे और यहाँ पे सभी लोग आके बारी बारी से अपना परफॉर्मेंस दे देते हैं। बट यहाँ पे सबसे लास्ट में सी क्यू आती है और वो बहुत ही मेहनत करके रखी हुई थी, इसलिए वो उनके सामने बहुत अच्छी तरह से गाना गाती है, जहाँ पे तो कुछ समय के लिए मिस्टर ली खुद ही खो जाते हैं। बट यहाँ पे मिस्टर ली जानबूझ को सी क्यू को इग्नोर करते थे और वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे सी क्यू यहाँ सभी देख रहे थे, इसलिए सी क्यू को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पे सुने सी क्यू को मोटिवेट करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है, उसे फिर से मोटिवेट करती है और कहती है कि वह तो फिलहाल घर पे जाए और वह शाम तक सुने का इंतजार करे क्योंकि वह अभी काम में बहुत ज्यादा ही बिजी है। तब सी क्यू यहाँ से घर पे तो नहीं जाती है बट वह अपनी आंटी के पास जाके उनके साथ डिनर करती है और यहाँ पे वो सच में बहुत ज्यादा उटपटांग हरकतें करने लगती है। लेकिन उसकी आंटी भी कम नहीं थी, वो भी उटपटांग हरकत करने में उसकी भी नानी थी। लेकिन इधर हम लोग मिस्टर ली को देखते हैं जो कि अभी पॉप वाले वीडियो को देख रहे हैं जहाँ पे वे सी क्यू को देखते हैं जो कि काफी उत्पन्न हरकतें कर रहे हैं। कुछ समय गए तो यहाँ पे मिस्टर ली सच में सी क्यू की जब अट्रैक्टिव हो जाते हैं बट वे अपने आप को किसी प्रकार से संभाल लेते हैं। लेकिन तभी अंदर आके मैनेजर मिस्टर ली को याद दिलाता है कि अभी उनके ड्राइवर के लिए एक ऑडिशन चालू है, इसलिए अभी कुछ लोग इंटरव्यू देने आएंगे। तब मिस्टर ली खुद ही कुर्सी पे बैठकर उनका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए कोई और नहीं बल्कि सी क्यू आती है
अब मिस्टर ली तो यहाँ बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सी क्यू ने तो मिस्टर ली के सामने ही कार को बहुत ज्यादा ही तेज चलाया था, जिससे मिस्टर ली बहुत ज्यादा ही डर गए थे और इसलिए मिस्टर ली उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन सी क्यू कैबिन से बाहर नहीं जाती है। तब मिस्टर ली यहाँ पे मैनेजर के ऊपर जाकर चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसे लोग कब तक आते रहेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों से नफरत है। अब बेचारी सी क्यू को यहाँ पे बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है और इसलिए वो फिर से उदास होकर चली जाती है। अब शाम को जब मिस्टर ली घर पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे अचानक से सी क्यू कार के सामने चली आती है। अब मिस्टर ली यहाँ पे तो खुद परेशान होकर से पूछने लगते हैं कि आखिर वो उनका पीछा क्यों कर रही है। तभी यहाँ पे सी क्यू उनसे कहती है कि उसे स्टेज पर सिर्फ 3 मिनट चाहिए, वो मिस्टर ली के सामने अपनी सभी बातों को रख देगी और उसके बाद मिस्टर ली का जो फैसला होगा वो सी क्यू को मंजूर होगा। अब मिस्टर ली यहाँ पे सी क्यू को जाके 3 मिनट देते हैं, जहाँ पे सी क्यू मिस्टर ली को बताती है कि वह मिस्टर ली को डेट करना चाहती है। अभी मिस्टर ली यह बात सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा ही शौक थे, बट यहाँ पे उनसे ज्यादा शौक तो कुछ सी क्यू थे, क्योंकि वो किसी प्रकार से नर्वस होकर मिस्टर ली से बातें करते हुए कहती है कि मिस्टर ली जब भी चाहे उसके साथ ब्रेकअप कर सकते हैं, तब सी क्यू कुछ भी नहीं बोलेगी। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली तो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सी क्यू की तरफ देखे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली को क्या पता था कि सी क्यू के पास सिर्फ 90 दिन ही बचे हुए हैं और इसलिए वो अपने लाइफ क्लॉक को बार बार पॉज करवाना चाहती थी मिस्टर ली के करीब आकर। बट यहाँ पर मिस्टर ली अचानक से सी क्यू से कहने लगते हैं कि आखिर वो करना क्या चाहती है। लेकिन यहाँ पे तो सी क्यू बार बार उनसे कह रहे थे कि वह बस उनको डेट करे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उधर से 3 मोटे लड़के उन दोनों की बातें सुन रहे थे और यहाँ पे वो दूर से ही सी क्यू कहने लगते हैं कि आखिर उसके लिए वो लड़का का ठीक नहीं है, तो वो तीनों मोटे में से किसी को एक को चूज कर सकती है। अब यहाँ पे मिस्टर ली और सी क्यू दोनों के दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन कट होती है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे सी क्यू ने पुलिस को बुला के रखा था और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर उन तीनों से बार बार इसी बात के पूछ रहा था कि आखिर जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में वो तीनों लोग मिलकर उन्हें डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं, इसे खासकर छेड़खानी कहते हैं। और यहाँ पे ये तीनों लड़के तो बहुत ज्यादा ही डरे हुए हैं पुलिस से। बट यहाँ पे जब पुलिस ऑफिसर मिस्टर ली से इसके बारे में पूछता है और कहता है कि FIR उन्हें सबसे पहले दर्ज करवाना चाहिए, तब मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़े ही बिजनेसमैन है और उनके पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि वो FIR दर्ज करवाए। अब पुलिस ऑफिसर तो इससे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी फालतू टाइम नहीं है खासकर FIR दर्ज करवाने के लिए, और इसलिए पुलिस ऑफिसर अब गुस्सा होकर उनके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि उन्हें रात में पुलिस स्टेशन ही रुकना पड़ेगा, अगर हो सके तो वो वकील को भी अपना चूज कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अभी अभी पुलिस ऑफिसर के साथ काफ़ी बदतमीजी से बातें की है। अब यहाँ पे मिस्टर ली को न चाहते हुए पुलिस स्टेशन पर रुकना पड़ता है और बेचारे सी की उन्हीं के बगल में बैठी होती है क्योंकि वो उनके कारण फंस गई थी। जिसके बाद क्या था, यहाँ पे मिस्टर ली बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहे थे, बट यहाँ पे सी क्यू बैठी हुई थी और उसे नींद आने लगता है। अब बहुत समय हो जाती है जिसके कारण सी क्यू यहाँ पे सो जाती है और वो मिस्टर ली के कंधे पर सिर रख देती है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली सी क्यू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, बट वो किसी प्रकार से अपने आप को संभालते हुए वहाँ पे बैठे रहते हैं। और थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं कि मिस्टर ली का ध्यान सी क्यू के प्यारा शक्ल पे जाती है, जहाँ पे वो काफी मासूम बनकर सो रही थी और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिस्टर ली सी क्यू के तरफ फिर से अट्रैक्टिव होने लगते हैं और वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पे सी क्यू का लाइफ क्लॉक अचानक से पॉज हो जाता है और इसी सिचुएशन के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।